दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे शुक्र मंत्र का रहस्य के बारे में जानेंगे। शुक्र के कई एक मंत्र हैं, लेकिन आज जो मंत्र मैं बताने जा रही हूँ, उस मंत्र को करने के बाद आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी या देवता या फिर नवग्रह से संबंधित होता है। ऐसे ही शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है। देवतियों के गुरु शुक्र को सुख समृद्धि ऐश्वर्य आकर्षण प्रेम का कारक माना जाता है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर होती है तो कई तरह की परेशानियां उसे झेलनी पड़ती है। उन्हें जीवन भर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों के पास आलिशान वस्तुएं आसानी से नहीं आती, उनके पास वो कॉन्फिडेंस की कमी होती है और उनके रिलेशनशिप में तो कई बाधाएं आती हैं। शुक्र मानव शरीर में स्किन, गला, आँख और प्रजनन प्रणाली और पाचन तंत्र का प्रभारी है। कुंडली में इस ग्रह के परिवर्तन से आँखों में तकलीफ, गैस की समस्या और स्किन में जलन, मुहासे और भूख कम लगने की समस्याएं होने लगती है। वहीं वेदों के अनुसार जिस व्यक्ति के कुंडली में शक्तिशाली शुक्र ग्रह होता है वह स्वाभाविक रूप से कॉन्फिडेंट होता है और बहुत उत्तम सौंदर्य का मालिक होता है। आकर्षण तो बहुत इतना तेज होता है कि लोग उसकी तरफ स्वतः ही आकर्षित होने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस किसी पर शुक्र ग्रह का पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है उसकी जिंदगी में सभी आलिशान वस्तुएँ, धन, सुंदर व्यक्तित्व और समर्पित जीवन साथी तुरंत अट्रैक्ट होते हैं। शुक्र ग्रह खुशहाल पारिवारिक जीवन, खूबसूरत जीवन साथी, पारिवारिक प्रेम, पति पत्नी के बीच आत्मिक संबंध, आधुनिक सुविधाएं, सजावट, सफलताएं, सुखद जीवन से जुड़े अन्य सभी चीजें स्वतः ही अट्रैक्ट होने लगती हैं। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भाग्यशाली जातक स्वतः ही पाने लगता है और भविष्य में सफल होता है। हर काम में आगे बढ़कर उस काम को करने की हिम्मत रखता है। तो शुक्र ग्रह के कई एक लाभ हैं। इसके मंत्र के जाप से आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी कौन सा शुक्र मंत्र शक्तिशाली है, कौन सा मंत्र सुंदरता देता है, शुक्र का जाप करने से क्या होता है और शुक्र जाप कितना करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगी, यहाँ तक कि शुक्र बीज मंत्र के फायदे क्या हैं, शुक्र मंत्र का जाप विधि क्या है, जाप संख्या क्या है, शुक्र मंत्र की साधना कैसे की जाएगी और शुक्र मंत्र जाप संख्या क्या है, ये सारी चीजें, इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में दूंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों जान लें मैं कौन। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर अंबिका शर्मा आपके लिए लाती हूँ इसी तरह के उपाय, तरीके जो आपके जीवन को बेहतर बना दें, आपके जीवन में खुशहाली भर दे। इस तरह के एस्ट्रो टिप्स लाती हूँ जो जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपको इस तरह की जानकारी पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और आगे भी आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप शुक्र बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आपको लाभ क्या मिलेगा। दोस्तों, शुक्र तामसिक गुणों से जुड़ा हुआ है, इसलिए भौतिक सुख और विलासिता के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाना जरूरी हो जाता है। शुक्र इच्छा शक्ति मजबूत करता है, साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। नतीजन इस मंत्र का रोजाना जाप करने से आपको अपनी बुरी प्रवृत्ति को दूर करने में मदद मिलती है। संजीवनी मंत्र शिव भक्त शुक्राचार्य को दिया गया था। नतीजन स्वास्थ्य के लिए इस मंत्र का जाप किया जा सकता है, बहुत ही उत्तम होता है क्योंकि शुक्र मंत्र
रिलेशनशिप के लिए भी बहुत जरूरी है यह ग्रह। विलासिता, आराम, विवाह, जुनून, प्रतिभा और रचनात्मक सहित अन्य चीजों से जुड़ा हुआ है। अच्छे परिणाम के लिए इस मंत्र को दोहराना बहुत ही लाभदायक है। शुक्र अध्ययन और ज्ञान को भी दर्शाता है, अतः इस मंत्र का उच्चारण वो भी कर सकते हैं जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो नए सिरे से कुछ सीखना चाहते हैं। शुक्र का प्रभाव व्यक्ति के आर्थिक, शारीरिक और वैवाहिक जीवन पर पड़ता है और इसकी वजह से अगर आप शुक्र मंत्र का जाप करते हैं तो इन क्षेत्रों में नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इस मंत्र के जाप को करने से कुंडली में किसी भी ग्रह की स्थिति अगर प्रतिकूल है तो उनके प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। शुक्र का जाप करने से घर में होने वाले झगड़ों से आपको मुक्ति मिलती है, लोग आपके तरफ स्वतः ही आकर्षित होने लगते हैं, आपको ईश्वरीय कृपा मिलने लगती है जिसका नियमित रूप से उपयोग किया गया तो जीवन में समृद्धि आने लगती है और नकारात्मक गुणों को समाप्त करने का यह बहुत बड़ा तरीका है। कुंडली में मौजूद शुक्र दोष को दूर करने के लिए हर शुक्रवार के दिन शुक्र के बीज मंत्र का जाप करने के साथ साथ इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये सारे लाभ हैं, आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी है तो आप शुक्र मंत्र का जाप कर लीजिए और साथ में इस शुक्र स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। मैं अभी आपको बताऊं कि कौन से शुक्र स्तोत्र का पाठ करना है आपको, तो आपको कैसे क्या करना है ये भी बताऊंगी। शुक्रवार के दिन स्नान आदि करके एक सफ़ेद रंग के कपड़े को पहन लें या फिर ऑफ वाइट भी पहन सकते हैं। इसके बाद सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में अर्घ जरूर दें। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें और सफ़ेद रंग का आसन या फिर कुस के आसन पर बैठकर आप शुक्रदेव का ध्यान करें और उसके बाद आप इस मंत्र का जाप करेंगे। मैं बता दूं कि आप जिस भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं या संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं उसे पहले ध्यान में लाएं, शुक्र को ध्यान में लाएं, एक घी का दीपक जलाएं, कोई भी सफ़ेद मिठाई चढ़ा दें और उसके बाद आप शुक्र को ध्यान में लाएं। शुक्र आपसे अगर प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। जल्दीबाजी आपको नहीं दिखाना है। याद रखें ये दो टाइम आप कर सकते हैं, सुबह सूर्योदय के समय या फिर सूर्य अस्त के समय। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इसे शुरू कर सकते हैं और तब तक करें जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। मंत्र है दोस्तों ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्र का बीज मंत्र है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल मंत्र है ये। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का 108 टाइम आपको जाप करना है और जाप के बाद आपको शुक्र स्तोत्र का पाठ करना है और ये शुक्र स्तोत्र जो है दोस्तों वो संस्कृत में है, इसीलिए जल्दीबाजी बिल्कुल ना दिखाएं और बिल्कुल शांति से सही उच्चारण के साथ इस मंत्र का जाप करें। अगर आप सही उच्चारण और शांति से इस मंत्र का जाप करते हैं तो मैं बता दूं कि शुक्र मंत्र से विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। आपका जीवन साथी जिस तरह का आप चाहते हैं वो प्राप्त हो जाएगा। संतान का की बाधा है आपके जीवन में तो संतान सुख की प्राप्ति होगी आपको। जीवन में सांसारिक धन का सौभाग्य प्राप्त होगा आप। इस मंत्र का रोजाना जाप करने से महिलाओं को शानदार प्राप्त होता है, आकर्षण प्राप्त होता है और पुरुषों को कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है, अट्रैक्शन प्राप्त होता है, जीवन की अनिश्चितताएं दूर हो जाती है, शांति और समृद्धि भी मिल जाती है। विरोधियों के साथ कई मुद्दों पर हुआ विवाद बिना कठिनाई के हल हो जाता है अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं। किसी की कुंडली में शुक्र से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो वह ठीक हो जाती है, उसके व्यवसाय में वृद्धि होती है या जॉब में भी आपको उन्नति मिलती है। आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाते हैं, वित्तीय बाधाओं को दूर कर पाते हैं जिससे आपका जीवन बेहद ही स्मूथ हो जाता है।
अगर आप शुक्र मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। आप अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप शुरू कर दें। वेदों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर शक्तिशाली शुक्र ग्रह होता है तो उसमें अद्वितीय आत्मविश्वास और उत्तम सौंदर्य होता है। शुक्र जातक के आकर्षण और व्यक्तित्व में सुधार लाता है। शुक्र मंत्र का जाप करने से भक्त को साहस, धन, भौतिक सुख, स्नेह, विवाह और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। शुक्र मंत्र जीवन में सफलता प्राप्त करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। विवाह में आ रही सारी समस्याओं को वह दूर करता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये है शुक्र बीज मंत्र का रहस्य, क्योंकि शुक्र बीज मंत्र बहुत ही रहस्यमयी है। और आप जब श्रद्धा और विश्वास से इस मंत्र का जाप करेंगे और शुक्र स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में धन, वैभव, सुख, संपत्ति और लक्ष्मी का वास होगा। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ ये शुक्र मंत्र रहस्य आपको बहुत पसंद आया हो। तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी विशेष मंत्र की जानकारी के लिए। तो दोस्तों, अगर मंत्रों की जानकारी आप भी चाहते हैं जीवन में मंत्रों से ईश्वर संबंधित समस्याओं से या किसी भी तरह की समस्याओं को आप झेल रहे हैं और मंत्रों से उसका समाधान चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको ज़रूर उसका समाधान मिलेगा। आज की जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ आपको यह पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।